अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डेजर्ट में मैं आपको पाइनएप्पल ट्राइफल बनाना बताऊंगी। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 मैंगो फ्लेवर्ड कॉर्न केक, 1 टिन पाइनएप्पल, 1 लीटर फुल क्रीम फ्रेश मिल्क, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप शुगर और टू टेस्ट, 9 टेबलस्पून शुगर, 1 रेसबेरी जेली, 1 ऑरेंज जेली, 1 लाइम जेली एंड 1 टेबलस्पून बटर। सबसे पहले एक पतीले में हम ये मक्खन डालकर चारों तरफ लगा लेंगे। अब इसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी। अब इसका बॉईल होने का हम इंतजार करेंगे। जब तक मिल्क जो है वो बॉईल हो रहा है, उस वक्त तक हम जेली बना लेंगे। एक बर्तन में हम 1 कप पानी डालेंगे और साथ ही ये 3 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे और इसको बॉईल करेंगे। अब जैसे ही वाटर जो है वो बॉईल होएगा, इसके अंदर मैं रसबेरी जेली डाल दूंगी और स्टोव को ऑफ कर दूंगी और उसे तेज तेज चमचा चलाकर मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 कप कोल्ड वाटर डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी और फ्रिज में रखकर इसको अच्छे से ठंडा कर लूंगी। बाकी की जेलीज भी मैं इसी तरह बनाकर रख लूंगी। देखिए अब मिल्क जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है। इसके अंदर मैं अब ये शुगर डाल दूंगी। शुगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब 1/2 कप ऑफ मिल्क में हम ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी ताकि ये थिक हो जाए। देखिए ये अब थिक हो गया और इसमें बबलिंग भी आ गई है, इसका मतलब है ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये फ्रेश क्रीम डाल के मिक्स कर लूंगी। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। एक बाउल में हम ये केक को बिछा देंगे और उसके ऊपर पाइनएप्पल का वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स की एक लेयर लगा देंगे। अब रेड जेली से एक लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से केक की एक लेयर लगा देंगे। केक की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर थोड़ा सा पाइनएप्पल का वाटर छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड छिड़क देंगे। अब इस पर हम ग्रीन जेली की लेयर लगा देंगे। अब कहीं कहीं पर हम पाइनएप्पल के टुकड़े छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर फिर कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। अब ऑरेंज जेली इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये रेड जेली लगा देंगे। अब ग्रीन जेली लगा देंगे। अब इसको पाइनएप्पल के चंक्स से सजा देंगे। देखिए नाज़रीन, अब हमारा पाइनएप्पल ट्राइफल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह बनाकर चिल कर पेश कीजिएगा। ये खाने में बेहद मज़ेदार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.